नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। मेरे को पता है आप सब लोग परेशान होंगे कि फ्लाइट कब चालू हो रहा है। हम लोग भी उसके पीछे पड़े हैं यार फ्लाइट्स के बारे में, लेकिन कोई न्यूज़ नहीं मिलता है। थोड़ा भी मतलब कोई ऐसा होता है ना, जैसे 10-15 तारीख को चालू हो जाएगा या फिर अगले महीने हो गया, कोई कन्फर्म न्यूज़ मिल ही नहीं रहा है कहीं से। आज तो वेबसाइट चेक किया था कतर एयरवेज का, तो उसमें कुछ डेट 14-15 तारीख के आसपास का कुछ दिखा रहा था टिकट, लेकिन उसको जब बुक पे क्लिक करोगे ना तो फिर वो पेज आता ही नहीं है। यानी कि वो भी लगता है वो सही नहीं है। और फिर एक मेक माई ट्रिप पे भी देखा था दुबई से वाया दुबई, तो उसमें भी बता रहा था, तो उसका भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो चालू ही है या नहीं है। वो भी लगता है ऐसा ही बता रहा है, लेकिन देखते हैं उसके ऊपर कल तक न्यूज आएगा शायद, तो कल आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। अगर आपको कुछ होता है तो कमेंट में डाल देने का, अगर आपको पता चलता है तो मैं ताकि मैं दूसरे को बता सकूं इसके बारे में। बहुत सारे लोगों का वीज़ा भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लोगों का अगर वीज़ा ख़त्म हुआ था तो वो लोग भी आए थे, और यहाँ से जाते टाइम पर भी बीच में कोरोना आ गया था ना, उसके वजह से बंद हो गया था फ्लाइट्स, तो उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों का वीज़ा ख़त्म हो गया था। फिर भी वो लोग यहाँ पर रुके हुए थे बिना वीज़ा का भी, वो लोग यहाँ पर स्टे किए हुए थे। बाद में फ्लाइट जब चालू हुआ फिर वो लोग गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि उसका प्रोसीजर क्या है। तो ये चीज़ होना चाहिए, उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी क्या प्रोसीजर है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, ताकि आपका भाई का चैनल आगे बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।